एक जेब्रा का बच्चा अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही चला जाता है, और जब वापस लौटता है तो उसकी माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि वो बहुत दिनों से बीमार थी। और उसका बच्चा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में भी अपनी माँ की पूरी बात नहीं सुनी। वो भागते हुए अपने झुंड से और घेरे हुए कांटों की दीवार से बाहर निकल जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस जादुई नदी तक पहुँचना जो उसकी माँ ने आखिरी वक्त में कहानी के तौर पर उसे सुनाई थी। और बाहर उसे एक जंगली कुत्ता मिलता है जो भेड़िए और लकड़भगे के प्रजाति के होते हैं। जेब्रा का नाम है खुम्बा। खुम्बा उस जंगली कुत्ता से जादुई नदी तक जाने का रास्ता पूछता है। कुत्ता उसे अपना शिकार बनाने के लिए कहता है, मैं तुम्हें उस जादुई नदी तक पहुंचा सकता हूं। वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो और जानवर मिलते हैं, एक शुतुरमुर्ग और एक मोटी हिरण। वो भी खुम्बा की जादुई नदी की बात सुनकर उसके साथ सफर पर निकल जाते हैं, और वो जंगली कुत्ता उन्हें अपने झुंड के पास लाता है ताकि उनका शिकार कर सके। लेकिन वो मजबूत हिरण डटकर उनका मुकाबला करती है, और ऐसे वो खुम्बा को बचा लेते हैं। खुम्बा को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसके वजह से इन दोनों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन खुम्बा को उसकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाने के लिए वो दोनों उसके साथ सफर पर निकल जाते हैं। आगे का सफर एक लाइक करने पर मिल जाएगा।